हेलो गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरम तो आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जनरल इंजियर का जो कि प्रीवियस ईयर्स जे एस एस सी जे में पूछा गया है तो ये क्वेश्चन सिर्फ सिविल के लिए नहीं है या फिर मैकेनिकल के लिए नहीं है या इलेक्ट्रिकल या माइनिंग या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए नहीं ये सारे ब्रांच के लिए इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग में ऑलरेडी पूछा गया है जिसमें सिविल पार्ट है इलेक्ट्रिकल पार्ट है एंड मैकेनिकल पार्ट है तो हो सकता है कि ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट uh, में पूछा गया है सिविल इंजीनियरिंग के शिफ्ट में पूछा गया तो नेक्स्ट अगर जो एग्ज़ामिशन्स होगी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट में इलेक्ट्रिकल की जो एग्जामिनेशनस होगी उसका शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाए या फिर अभी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन होने वाली है माइनिंग की एग्जामिशंस होने वाली है तो माइनिंग इंस्पेक्टर की तो सब में ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा नहीं है कि सिविल में नहीं आ सकता है हर एक एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर को हुआ था एग्जामिनेशन 2022 में सी मोड में तो ट्वेंटी क्वेश्चनस हम लोग एक लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं तो ये तीसरा पार्ट है हमारा फोर्टी क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और देखेंगे एक एक करके इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सोल्यूशन भी देखेंगे तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो चलिए अब हम लोग फोर्टी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अब फोर्टी क्वेश्चन के बाद जितना क्वेश्चन है वो हम लोग फिर ट्वेंटी क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे तो ये हमारा तीसरा पार्ट है और एक एक करके सब हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जनरल इंजीनियरिंग में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और लास्ट टाइम चार शिफ्ट में सिविल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस थे और दो शिफ्ट इलेक्ट्रिकल की हुई थी और शायद दो शिफ्ट मैकेनिकल की हुई थी उन सब का क्वेश्चन हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे पहले जनरल इंजीनियर का कवर करते हैं इसके बाद फिर ब्रांच पेपर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे और सारा वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट में सेव किया गया है आप जाकर के देख सकते हैं लिंक आइकॉन पे भी दिया जाएगा आप आसानी से जा करके देख सकते हो और जितनी भी वैकेंसीज अभी आएगी जे पी एस सी ए की क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले डाला था उद्योग विभाग में तो उसमें बी टेक एक पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर जिसमें बी टेक एलिजिबल है तो उसमें शायद फिफ्टी नाइन या सिक्सटी नाइन एक्जैक्टली याद नहीं है डाटा पोस्ट है तो उसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है उसमें बीटेक एलिजिबल होंगे चाहे किसी भी ब्रांच से अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद अगर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो जे असिस्टेंट इंजीनियर की असिस्टेंट वैकेंसी बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है और आज कैबिनेट की भी मीटिंग है तो उसमें जैसे ही कुछ कैबिनेट फैसला लेती है तो वो जरूर अपडेट आपको बताऊंगा तो इसलिए हमारे चैनल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड और स्टडी मटेरियल से जितनी भी मीन्स फैसिलिटी जो वो सब आप तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्टी वन क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल पार्ट से हैं तो ऑप्शन है आई जी ट्रांजिस्टर डायोड जेनर डायोड तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जेनर डायोड नेक्स्ट क्वेश्चन है दी स्लिप ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज वन पॉइंट इज द स्टेट ऑफ मोटर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दिसलिप ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जिसका स्लिप वन है तो इसका जो स्टेट होगा मोटर का वो क्या होगा तो क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है रनिंग एट वेरिएबल स्पीड रनिंग एट हाफ स्पीड रनिंग एट फुल स्पीड स्टैंड स्टील तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी स्टैंड स्टील नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडिंग पावर फैक्टर इज कॉज्ड व्हेन द नेट लोड इज अभी तक इलेक्ट्रिकल पार्ट ही मिल रहा है इलेक्ट्रिकल पार्ट का क्वेश्चन क्योंकि इससे पहले जब हम लोग ट्वेंटी या थर्टी क्वेश्चन तक करे थे तो वहाँ पर हम लोगों का सिविल पार्ट मिल रहा था और मैकेनिकल का भी कुछ पार्ट था तो क्वेश्चन है दी लीडिंग पावर फैक्टर इज कॉज्ड व्हेन द नेट लोड इज ये भी इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है ऑप्शन है रेसिस्टिव मोटर लोड इंडक्टिव के पे सिटिप तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कैपे सिटिप क्वेश्चन एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या बोल रहा है द लीडिंग पावर फैक्टर इज काउस्ड वेन लोड इज तो लीडिंग पावर फैक्टर किसके कारण होता है अगर नेट लोड जो होगा वो कैपे सिटिव होगा तब क्या होगा लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेन विच टाइप ऑफ करेंट सिग्नल सेप हैज एवरेज वैल्यू ऑफ जीरो क्वेश्चन का आता है विच टाइप ऑफ करेंट सिग्नल सेप हैज एवरेज वैल्यू ऑफ जीरो किस टाइप का करेंट सिग्नल का जो सेप होगा वो एवरेज mm, वैल्यू जीरो होगा तो ऑप्शन है पल्सेड, सेड स्ट्रेट लाइन एक्सपोनेंशियल। इसका करेक्ट आंसर होगा बी साइनोसूडल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था ऑनलाइन जीएसएससी जेई की उसी का क्वेश्चन है और ये सिविल में जनरल इंजीनियरिंग में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज नॉट यूज्ड इन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन ऑप्शन है सर्कुलेटिंग करंट स्कीम बंडलिंग स्कीम बैलेंस्ड वोल्टेज स्कीम ट्रांसली स्कीम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंडलिंग स्कीम बी क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं समझ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट यूज्ड इन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन तो कौन सा स्कीम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में यूज नहीं किया जाता है यूज नहीं किया जाता है तो करेक्ट आंसर होगा बर्निंग स्कीम तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा द डैम्पिंग प्रोवाइडेड इन मूविंग आयरन टाइप ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ टाइप ऑप्शन है इडी करेंट ऑयल फ्रिक्शन स्प्रिंग एयर फ्रिक्शन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी एयर फ्रिक्शन क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं फिर से डी डैम्पिंग प्रोवाइडेड इन मूविंग आयरन टाइप तो कहता है कि डैम्पिंग को जो प्रोवाइड किया जाता है मूविंग आयरन टाइप में के इंस्ट्रूमेंट में तो वो किस टाइप का होता है तो एयर फ्रिक्शन टाइप होता है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ये सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इन ए सिंगल फेज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द मेन वाइंडिंग हैज क्वेश्चन कह रहा है इन ए सिंगल फेज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज है और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है तो मेन वाइंडिंग जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन है हाई रसिस्टेंस एंड हाई इंडक्टिव रेसिस्टेंस लो रसिस्टेंस एंड लो इंडक्टिव रेसिस्टेंस हाई रसिस्टेंस एंड लो इंडक्टिव रेसिस्टेंस लो रेसिस्टेंस एंड हाई इंडक्टिव रेसिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लो रेसिस्टेंस एंड हाई इंडक्टिव रेसिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सी सिग्नल इज कॉल्ड क्वेश्चन कहता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी सिग्नल कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए ए सी सिग्नल्स का तो ऑप्शन है एसी मीटर फ्रीक्वेंसी मीटर डायनमोमीटर डीसी मीटर तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज दैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिलेटेड टू द एप्सोलिट टेम्परेचर फॉर ऑर्डिनरी फील्ड्स एंड टेम्परेचर क्वेश्चन का आता है हाउ इज़ दैरामैग्नेटिक सबिलिटी पैरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो रिलेटेड होता है एप्सोल्युट टेम्परेचर से फॉर ऑर्डिनरी फील्ड्स एंड टेम्परेचर ऑर्डिनरी फील्ड एंड टेम्परेचर से तो कैसे होता है तो ऑप्शनस है दैरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो इसका एक फॉर्मूला होता है उसी फार्मूला पे ये बेस्ड है द पैरा मैग्नेटिक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाकी ऑप्शन जो है ये भी दिया हुआ है द पैरा मैग्नेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोजनल टू स्क्वायर ऑफ़ दी एप्सोलिट टेम्परेचर दी पैरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोजनल टू दी एब्सोलिट टेम्परेचर द पैरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोसनल टू स्क्वायर ऑफ़ द एप्सोल्युट टेम्परेचर तो ये कोई भी इससे रिलेटेड नहीं है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन ए द पैरा मैग्नेटिक सबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोजनल टू द एप्सोल्युट टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से दि गिवेन सर्किट इज सर्किट दिया गया है तो ये किस टाइप का सर्किट है तो ऑप्शन है सीरीज क्लैम्पर विथ डी सी सप्लाई पैरल क्लैम्पर विथ डी सी सप्लाई सीरीज क्लीपर विथ डी सी सप्लाई पैरल क्लीपर विथ डी सी सप्लाई तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सीरीज क्लीपर विथ डी सी सप्लाई अभी तक जो हम लोगों का चल रहा है तो ये इलेक्ट्रिकल पार्ट ही चल रहा है और मीन्स कोई पार्ट नहीं है अलग से बीच बीच में क्वेश्चन आपको मैकेनिकल का भी मिल जा रहा है मीन्स जनरल में तीन पार्ट था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल तो तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है एट्टी क्वेश्चन इसके बाद फोर्टी क्वेश्चन जो है जो आपका सिलेबस है सिलेबस वाला वीडियो का लिंक जो है वो आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दिया हूँ उसमें आप जाकर के देख सकते हैं चैनल पे भी अवेलेबल है वहां पर आपको मिल जाएगा आप सर्च करके देख सकते हैं तो ये जो सर्किट है किस टाइप का है सीरीज क्लिपर विथ डीसी सप्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज एक्रॉस ए टर्मिनल पेयर इज मेजर ऑफ डैश रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज थ्रू द एलिमेंट ऑप्शन है एनर्जी टेम्परेचर लाइट वर्क तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो वर्क होगा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं दी वोल्टेज एक टर्मिनल पेयर इज मेजर ऑफ तो टर्मिनल पेयर पे जो वोल्टेज वोल्टेज के एक्रोस में जो टर्मिनल पेयर पे हम लोग मेजर करते हैं वो क्या करते वर्क को मेजर करते क्योंकि जो चार्ज होता है उसका मूवमेंट जो होता है तो वो क्या होता है वर्क होता है वर्क तो क्या होता है जूल पर सेकेंड तो जूल क्या होता है एनर्जी होता है तो वर्क सॉरी वर्क जो होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है तो ये न्यूटन मीटर होता है तो फोर्स यहां पर क्या होगा फोर्स जो होता है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है तो वर्क यहां पर हम लोग मेजर करते हैं तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव एनर्जी यूज फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मार्केट पोजिशन इज नॉन एज इसका करेक्ट आंसर होगा मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी हालांकि ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ऑडिट ऑफ एनर्जी एनर्जी पॉलिसी लेकिन ये सब इनकरेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से एलुमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग लक्स मीटर एमीटर लिक डिटेक्टर मल्टी मीटर तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लक्स मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन से पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर हैब एंड इंटरनल लॉस कॉल्ड ऑप्शन है टेन जेटा लॉस टेन गामा लॉस टेन डेल्टा लॉस टेन बीटा लॉस इसका करेक्ट आंसर होगा टेन डेल्टा लॉस टेन डेल्टा लॉस नेक्स्ट क्वेश्चन से एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सप्लाइड विथ टेन वोल्ट डीसी एंड इट टैक्स इनपुट करेंट ऑफ माइनस टे एम्पियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसपे कि 10 वोल्ट डीसी सप्लाई किया जाता है और इनपुट करंट जो है वो माइनस दस एम्पियर है तो कौन सा जो टर्म है वो सही होगा पावर ऑफ द एलिमेंट जो पावर होगा वो क्या होगा जो जनरेशन होगा पावर का वो कितना होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा हंड्रेड वाट नेक्स्ट क्वेश्चन से ये सब फॉर्मूला बेस्ड है अगर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा मेनली हम लोगों को क्वेश्चन भी बहुत सारा करना है इसलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देख रहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन से एक कोल्ड चीजल इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ स्टील तो ऑप्शन है लो कार्बन स्टील माइल्ड स्टील मीडियम कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील इस तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा एक कोल्ड चीजल जो बनाया जाता है वो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज नेम्ड कर्टिस स्टेज टर्बाइन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैकेनिकल पार्ट का आने लगा है धीरे धीरे क्योंकि इससे पहले हम लोग थर्टी थर्टी वन तक करे थे तो उसमें आपका सिविल का आया था थर्टी वन के बाद सारा इलेक्ट्रिकल्स का आ रहा था अब इसमें ज़्यादातर मैकेनिकल का क्वेश्चन दिखने लगा है तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइंस इज नेम्ड कार्टिस स्टेज टर्बाइन तो ऑप्शन है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन प्रेशर कंपाउंडेंड रिएक्शन टर्बाइन प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ फॉलोइंग वुड ए स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन वुड सेटिसफाई ए स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी फ्लोटिंग बॉडी के लिए कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम को सेटिसफाई करता है तो so, ऑप्शन है सेंटर ऑफ बियंसी इज एब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर इज एब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हो, वो डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से वेन द एलिमेंट इज इन ए काइनेटिक पेयर हैव सरफेस कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द मोशन द पेयर इज नॉन एज ऑप्शन है हायर पेयर ओपन पेयर तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा लोअर पेयर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट वन है जो कि ट्वेंटी क्वेश्चन फिर हमारा हो जाएगा आज का इस लेक्चर का तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन दिस फ्यूगल पंप द स्लिप फैक्टर अकर्स अंडर विच कंडीशन और एंगल क्वेश्चन कहता है इन देंट्रफ्यूगल पम्प द स्लिप फैक्टर अकर अंडर विच कंडीशन और एंगल सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्लिप फैक्टर कब अकर होता है किस किस कंडीशन में किस एंगल पर तो ऑप्शन है वेन फ्लूड लिविंग द इम्पेलर इज नॉट द सेम एज द एक्चुअल ब्लड एंगल तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा तो इसका आंसर ए होगा ये कंडीशन जो रहता है इसमें स्लिप फैक्टर अक्कर होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा जो हम लोग कवर कर रहे हैं डेली ट्वेंटी क्वेश्चंस एक लेक्चर में जितना भी प्रीवियस ईयर है वो सब हम कवर करेंगे और जो भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आती है या फिर झारखंड की जो नियोजन नीति है नियमावली है सबसे अपडेट हम बिल्कुल देंगे क्योंकि आज कैबिनेट की भी मीटिंग है तो उसमें अगर नियोजन नीति के बारे में कुछ फैसला आता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को बतलाऊँगा और जे की भी जो नई वैकेंसी है जिसमें बी एलिजिबल होंगे यही कि जो न्यू वेकेंसीज आएगी और जे एस एस सी जे ई से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होगी वो सब हम आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे तो इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर मैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और स्टडी मटेरियल भी जे एस एस सी जेई जे पी एस सी एंड बी पी एस सी ए की आप तक आसानी से पहुंच सके तो आज के लेक्चर में इतना ही फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक, तक के लिए बाय